तो भैया दुर्गा पूजा कोई त्यौहार नहीं है, ये हमारा इमोशन है और इसको समझने के लिए आपका कोलकाता जाना बहुत जरूरी है। अरे रुकिए, हम भी कोलकाता में नहीं हैं, लेकिन हाँ हम भी जाएंगे उस भीड़ का हिस्सा बनने जिसे सारी दुनिया बहुत करीब से देखना चाहती है। फिलहाल हम दिल्ली में हैं तो आपको यहाँ का दुर्गा पूजा दिखाते हैं। वैसे तो पूरे दिल्ली में बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, लेकिन हम लोग जाने वाले हैं लाल किला, जहाँ पर रामलीला को देखने हजारों लोग आते हैं। तो भैया हम अपने मित्र मंडली के साथ भीड़ को चीरते हुए लाल किला पहुंच गए। मेले में आए हुए भक्तगणों से निवेदन है कि शांति बनाकर रखें और पॉकेट मारों से सावधान रहें, और हाँ अपने बच्चों और अपने मैडम का हाथ पकड़कर चले, क्योंकि भैया ये दिल्ली है। ये चहल पहल देख कर ना हमारे अंदर का सोया हुआ बच्चा जाग जाता है। हाँ हम मानते हैं कि अब हम बच्चे नहीं रहे, कुछ दिन में घर की जिम्मेवारी हमारे कंधों पर आ जाएगी, मगर क्या करें, इन सालों को देख कर ना जवान होने का मन नहीं करता है। बस दिल एक ही बात बोलता है, दिल तो बच्चा है जी।
इस खुशी के पल को जीने के लिए ना हम लोग कई गमों को भूल तो जाते हैं, लेकिन एक गम जो आने वाला है वो हमें बड़ा तड़पाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुर्गा माँ के मूर्ति के विसर्जन के साथ कई चेहरों पर आए गमों के साए की। जानते हैं कि साल भर बाद माँ फिर आने वाली है, मगर एक बच्चा अपनी माँ से कैसे इतने दिन दूर रह सकता है।